माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि हम फ्रेजनियस मशीन में किस तरीके से आर्टेरियल प्रेशर की लिमिट को सेट करते हैं, किस तरीके से वेनस प्रेशर की लिमिट को सेट करते हैं, किस तरीके से टीएमपी प्रेशर की लिमिट को सेट करते हैं। हालांकि ये प्रेशर की लिमिट सेट करना वो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार किसी वजह से कभी कभी सेट करना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं। चलिए, अगर हमको सेटिंग करना है इसकी, तो सबसे पहले हमको आना होता है अलार्म सेटिंग मेनू। अलार्म सेटिंग मेनू में आने के बाद आपको देखिए ये तीन बार मिलती है, आर्टेरियल प्रेशर का, वेनस का और टीएम। तो दो लाइन आपको ब्लू दिख रही है, वो पोजीशन भी बताती है और साथ साथ में वो साइज को भी बताती है। यानी साइज को आप छोटी बड़ी करना हो तो छोटी बड़ी भी कर सकते हैं, और साइज पोजिशन को अगर आपको चेंज करना था चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पोजीशन को चेंज करना है तो आप पोजीशन पर आ गए। पोजीशन पे आने के बाद आपके पास देखिए नीचे एक प्लस है और एक माइनस का बटन है। प्लस माइनस के बटन से पोजीशन को आप ऊपर या नीचे। अब देखिए इसी तरीके से हम आ जाते हैं वेनस प्रेशर में। तो वेनस प्रेशर में देखिए जो आपको ये स्काई ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये एक्चुअल में जो प्रेशर अभी चल रहा है पेशेंट का या मशीन का वो शो कर रहा है। पर आप डिस्प्ले में आप इसको देख सकते हैं कि सारे जो प्रेशर है वो आर्टेरियल वेनस और शो होते रहते हैं। अगर आपको यहाँ पे पोजीशन चेंज करना है तो पोजीशन चेंज करने के लिए वही प्लस या माइनस से आप पोजीशन को चेंज करेंगे। प्लस से बार ऊपर जाएगा और माइनस से जो लाइन है वो नीचे आएगी। अगर आपको साइज को चेंज करना हो तो साइज को चेंज करने के लिए फिर आप साइज पर आएंगे, फिर प्लस बटन से साइज बड़ा होता है और माइनस बटन से साइज वो छोटा होता है। अगर आपको साइज छोटा करना है तो आप माइनस दबाएंगे, साइज अगर बड़ा करना है तो आप प्लस दबाएंगे। इसी तरीके से टीएमपी में भी, टीएमपी में अगर आपको साइज बड़ा करना है तो प्लस और साइज अगर छोटा करना है तो माइनस। याद रखिएगा कि ये बार बार आर्टेरियल प्रेशर हो या वेनस प्रेशर हो या टीएमपी हो, इन सब की लिमिट को चेंज करना वो रिकमेंडेड नहीं होता। अगर आर्टेरियल प्रेशर दे रहा है तो आप पहले कॉज को देख, आर्टेरियल प्रेशर दे क्यों रहा है। तरीके से वेनस प्रेशर अगर हाई जा रहा है या लो जा रहा है तो आप पहले कॉज को देखेंगे कि कॉज क्या है। अगर जेन्युइन कॉज है तो ठीक है भाई, आप प्रेशर को कर सकते हैं। कई बार कुछ पेशेंट में टीएमपी हाई जाता है या वेनस प्रेशर हाई जाता है, या कई बार क्या होता है कि डायलेजर की मेम्ब्रेन ही गड़बड़ है तो उसकी वजह से भी टीएमपी बहुत हाई जाने लगता है। तो वो कंडीशन तो ठीक है, लेकिन अगर आप बार बार आप चेंज करेंगे इसको बिना किसी वजह से तो वो रिकमेंडेड नहीं होता है।